हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो लास्ट वीडियो है सरफेस केमिस्ट्री का, प्रेस रसायन का, और इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से बात करने वाले हैं इमल्शन के बारे में, हम बात करने वाले हैं पाइसी कर्मक के बारे में, हम बात करने वाले हैं कोलोइडों के अनुप्रयोग के बारे में। तो ये वीडियो के बाद में ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। कंसेप्ट से भरा हुआ वीडियो है, इसलिए पूरा लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर पाएंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। इमल्शन जो होता है वो दो द्रव से मिलके बनने वाला कोलोइड है। मतलब इमल्शन एक ऐसा कोलोइड है जिसके अंदर परिक्षेपण प्रावस्था भी द्रव है और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव है। तो ध्यान समझिएगा, मैं इसके दो एग्जांपल आपको देता हूं, पूरी बात अपन उसी पे करेंगे। इसका पहला एग्जांपल है तेल का जल में और दूसरा अपन देखने वाले हैं जल का तेल में। तेल का जल में ऑयल इन वाटर, जल का तेल में वाटर इन ऑयल। अब इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ऑयल इन वाटर का मतलब है कि जल आपका परिक्षेपण माध्यम है और परिक्षेपण प्रावस्था के रूप में आपने इसमें तेल मिला रखा है। तो ऑयल इन वाटर, तो तेल का जल में, जल का तेल में। इसका मतलब है कि आपके पास तेल है परिक्षेपण माध्यम के रूप में और जल है परिक्षेपण प्रावस्था। अब मैं आपको दोनों के प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। ऑयल इन वाटर का एग्जांपल है जो हम घर में डेली काम में लेते हैं, मिल्क, हमारा दूध। और जल का तेल में इसका एग्जाम्पल है क्रीम, जो हम सर्दियों में लगाते हैं, वो जो क्रीम होती है वो होती है जल का तेल में। कहने का मतलब क्या है, जो आपका मिल्क है उसमें पानी में घुला हुआ है तेल, और जो आपका क्रीम है उसमें तेल में घुला हुआ है पानी। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या जल और तेल आपस में मिलते हैं। देखो, अगर तेल और जल को हम आपस में मिक्स करें तो जल हमारा नीचे रह जाएगा और तेल उसके ऊपर तैरता रहेगा। सही बात है। तो तेल और जल आपस में कभी मिक्स नहीं होते, यह अमिश्रणीय यौगिक है, यह अमिश्रणीय द्रव है जो आपस में एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकता, इसीलिए इमिसिबल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका तेल होता है अध्रुवीय और आपका जल होता है ध्रुवीय। जल आयनिक होता है। मैंने आपको जब साबुन की क्रियाविधि समझा रहा था तो बताया था कि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो आपका जल ध्रुवीय है और जो तेल है वो अध्रुवीय है, और अध्रुवीय कभी भी ध्रुवीय के अंदर नहीं मिलता है, समान समान को घोलता है, लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट, जो जैसा है वो वैसे में ही घुलता है। अध्रुवीय अध्रुवीय के अंदर ही घुलेगा, ध्रुवीय ध्रुवीय के अंदर ही घुलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि एक अध्रुवीय ध्रुवीय के साथ घुले तो ऐसा संभव नहीं है जब तक कि आप किसी और की सहायता ना लो। इसलिए कभी भी इमल्शन अपने आप नहीं बनता है कि आपने तेल में पानी मिला दिया, पानी में तेल मिला दिया, बन गया इमल्शन, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हमें एक तीसरे बंदे की जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं पाइसी कर्मक। पाइसी कर्मक क्या करता है? पाइसी कर्मक इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, जो आपके इमल्शन को स्थायी रखता है, जो तेल और जल को आपस में मिला देता है, उसे हम कहते हैं पाइसी कर्मक। ये कैसे काम करता है बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा समझाऊंगा, कुछ नहीं हटाऊंगा, ध्यान से देखो। पाइसी कर्मक का एक उदाहरण है साबुन। साबुन के बारे में सारी बात अपन अलग से वीडियो में कर चुके हैं। साबुन के अंदर दो हिस्से होते हैं, मिसाल मैंने आपको बताया था, साबुन में दो हिस्से होते हैं,
एक हिस्सा होता है उसकी हाइड्रोकार्बन पूंछ जो कि अध्रुवीय होती है, और एक हिस्सा होता है उसका आगे का हिस्सा जो कि आयनिक होता है। साबुन आपको याद होना चाहिए C17H35 COONa सोडियम स्टेरेट, माइनस अलग हो जाता है प्लस अलग हो जाता है, तो अलग होने के बाद में यह आपका हो गया आयनिक हिस्सा और यह आपका हो गया अनआयनिक अर्थात अध्रुवीय हिस्सा। देखो जैसे ही आप साबुन को मिलाओगे, साबुन के अंदर दो हिस्से हैं, एक उसका अध्रुवीय हिस्सा है एक उसका आयनिक हिस्सा है। अध्रुवीय हिस्सा तेल के साथ में मोहब्बत कर सकता है क्योंकि तेल भी अध्रुवीय है, तो तेल के साथ में इसका ये वाला हिस्सा मोहब्बत कर लेता है और यहां आ गया आपका तेल, तो अध्रुवीय हिस्सा जुड़ जाता है तेल से। जो इसका आयनिक हिस्सा है जिसपे आयन है वो जुड़ता है जल से, तो आयनिक हिस्सा इसका जल से जुड़ जाता है। तो अब आपको समझ में आया कि जल और तेल जो आपस में नफरत करते हैं उनके बीच में कौन आ गया है, एक साबुन का अणु। इस साबुन के अणु को दोनों से मोहब्बत है, उसे इससे भी मोहब्बत है उसे इससे भी मोहब्बत है, क्योंकि उसमें अध्रुवीय हिस्सा है जो तेल से जुड़ जाएगा, इसमें ध्रुवीय हिस्सा है जो जल से जुड़ जाएगा, और इस प्रकार इनडायरेक्टली आपका जल और तेल आपस में मिक्स हो जाएंगे। और इसी प्रकार से आप साबुन की मदद से डिटर्जेंट की मदद से क्या बना सकते हो, इमल्शन बना सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पाइसीकर्मक वो होता है जो इमल्शन को स्थायित्व प्रदान करता है जैसे कि साबुन, इस प्रकार आपका पाइसीकर्मक जो है वो दो ऐसे लोगों को मिक्स कर देता है, दो ऐसे द्रवों को मिक्स कर देता है जो अमिश्रणीय है, क्योंकि उसके अंदर दो ऐसी चीजें हैं जो इसको भी पसंद है और इसको भी पसंद है, तो इनडायरेक्टली आपस में जुड़ जाते हैं। दोस्तों इसी का मिसयूज किया जाता है, आपने अखबार में खबर देखी होगी नकली दूध का निर्माण, नकली दूध का निर्माण इसी तरह से होता है, क्योंकि दूध आप जानते हो जब तेल को जल में मिलाया जाता है तो दूध बनता है, तो वो लोग क्या करते हैं उनको आपस में नकली दूध को बनाने के लिए, नकली दूध के निर्माण के लिए वो लोग यूज करते हैं साबुन को, डिटर्जेंट को, शैम्पू को, और उससे दूध बनाते हैं, और वो नकली दूध हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं हाउ टू मेक अ फेक मिल्क, उसमें आपको दिखेगा कि वो लोग जो है साबुन को यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट को यूज़ करते हैं, और वो काम कैसे करता है वो मैंने आपको समझाया कि साबुन तेल और जल को आपस में जोड़ देगा और नकली दूध तैयार हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर नकली दूध में तो साबुन होता है, असली दूध में क्या होता है जो तेल और जल को जोड़ के रखता है? तो असली दूध के अंदर जो पाइसीकर्मक का काम है, असली दूध के अंदर जो पाइसीकर्मक का काम है वो आपका करता है प्रोटीन। दूध में प्रोटीन होता है ना, अपन दूध पीते इसलिए क्योंकि उसमें प्रोटीन मिलता है, तो जो प्रोटीन होता है वो जोड़ के रखता है तेल को और जल को, तो ये नेचुरल है, और ये हमारा साबुन जो है ये नकली दूध बनाने में काम में आता है। तो आई होप आपको समझ में आया है दिल से कि पाइसीकर्मक चीज क्या है। तो तेल का जल में निर्माण करने के लिए हम अलग पाइसीकर्मक काम में लेते हैं, जल का तेल के लिए अलग लेते हैं, तो मैं यहां दोनों की जो पाइसीकर्मक है उनके उदाहरण लिख देता हूं। तो ये कुछ पाइसीकर्मक हैं जो तेल का जल में इमल्शन बनाने में काम आते हैं, जैसे कि प्रोटीन, गोंद, प्राकृतिक संश्लेषित साबुन जो सॉल्युबल हो, इधर सॉल्युबल मतलब जो घुल सकता है, इधर पाइसीकर्मक के एग्जांपल है लंबी श्रृंखला के अल्कोहल, काजल और साबुन जो इनसॉल्युबल हो जो नहीं घुलता है, तो ये इनकी सहायता से हम लोग जब जल को तेल में मिलाएं तो उसको घोल सकते हैं, और इनकी सहायता से हम जब तेल को जल में मिलाएं तो उसको घोल सकते हैं। पाइसीकर्मक काम कैसे करता है, वो तेल से भी जुड़ेगा, वो जल से भी जुड़ेगा, और इनडायरेक्टली जल और तेल को आपस में जोड़ देगा। तो ये आपने सीखा कि किस तरह से इमल्शन बनते हैं। अब सवाल यहाँ पे आता है कि पता कैसे चलेगा कि तेल का जल में है कि जल का तेल में है, ये क्वेश्चन है कि पहचान कैसे होती है, पहचान कैसे होती है कि तेल का जल में है कि जल का तेल में है, ये मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो पहचान करना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसके अंदर ज्यादा मात्रा में कौन है, पानी, और इसके अंदर ज्यादा मात्रा में कौन है, तेल। तो ध्यान से सुनना, आपको मैंने एक इमल्शन दिया और आपसे मैंने पूछा कि बताओ ये आपका जल में तेल है या तेल में जल है, तो उसके लिए आपको तीन ट्रिक काम में लेनी है, ध्यान सुनना। पहला, जल को डालने पर आपको इमल्शन के अंदर जल मिलाना है। अब देखो यहां पहले ज्यादा मात्रा में कौन है, जल है, तो अगर आप और मात्रा में जल मिलाओगे तो वो उसके अंदर घुल जाएगा, सही बात है,
क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मात्रा में जल है, तो ऊपर से आप और जल मिलाओगे तो वो घुल जाएगा। तो जल के डालने पर ये जल इनके अंदर घुल जाएगा। परंतु आपने अगर इमल्शन में बाहर से जल डाला है और वो जल के तेल का इमल्शन है, तो वहां ज्यादा कौन है, तेल, तो आप और जल डालोगे तो वो और जल उसमें नहीं घुलेगा, क्योंकि जो संख्या ज्यादा होती है वही संख्या घुल सकती है। तो अगर बाहर से जल मिलाने पर आपका जल इमल्शन में नहीं घुलता है, इसका मतलब वो जल का तेल में इमल्शन है। इसी प्रकार आप तेल को डाल सकते हो। इस प्रकार के इमल्शन में कौन ज्यादा है, पानी ज्यादा है, तो राज किसका चल रहा है, पानी का चल रहा है। तो बाहर से तेल मिलाओगे तो तेल अब और पानी के अंदर नहीं घुलेगा। तो तेल को मिलाने पर अगर वो नहीं घुलता है, इसका मतलब तेल का जल में इमल्शन है। और अगर यहां मिलाओगे तो तेल पहले से बहुत ज्यादा है, आप और तेल मिला दो वो उसके अंदर घुल जाएगा। क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है तो तेल को मिलाने के लिए आपको पाइसी कर्मक की आवश्यकता होगी, परंतु पानी को मिलाने के लिए किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं है। फिर से ध्यान से समझो, कमी नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पानी ज्यादा है तो बाहर से तेल को मिलाने में मुश्किल होगी, पानी आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे तेल बहुत ज्यादा है तो बाहर से तेल आसानी से मिलेगा, पानी को मिलाने के लिए आपको पाइसी कर्मक चाहिए होगा। तो बाहर से और पानी आप जोड़ते हो, पानी घुल जाता है, इसका मतलब वो ये वाला है। पानी नहीं घुलता है, इसका मतलब ये वाला है। और अगर आप तेल को मिलाते हो, तेल आपका नहीं घुलता है, इसका मतलब ये वाला है। और तेल घुल जाता है, इसका मतलब ये वाला है। एक और तरीका है, तीसरा, आपने थोड़ा सा विद्युत अपघट्य मिलाया। विद्युत अपघट्य से नमक, NaCl, आपने विद्युत अपघट्य को मिलाया। विद्युत अपघट्य जैसे कि NaCl, ध्यान समझना, मजेदार चीज है। आपने NaCl इसके अंदर ऐड किया, जैसे इसमें NaCl ऐड करोगे तो कि अंदर पानी है तो Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा। पानी की खासियत होती है कि वो विद्युत अपघट्य को उसके आयनों में तोड़ देता है। तो जैसे ही आप NaCl मिलाओगे, वैसे ही Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा, और अब ये दोनों आयन पानी में गति कर सकते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉन लगा के करंट फ्लो कराने की कोशिश करो तो। इसका मतलब अगर आपका जल ज्यादा मात्रा में होगा, तेल का जल में होगा, और उसमें आप विद्युत अपघट्य मिलाओगे तो वहां पे वो चालन करेगा, विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होगी। क्यों होगी? क्योंकि विद्युत अपघट्य को आपने मिलाया, अंदर जल था, जल ने विद्युत अपघट्य को उसके आयनों में तोड़ दिया। जैसे ही करंट लगाओगे वो आयन इधर उधर गति करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो मुक्त हैं, फ्री हैं। और फ्री आयन की गति करने से, मुक्त आयन की गति करने से धारा प्रवाहित होती है। मैंने ही आपको पढ़ाया है विद्युत धारा नाम के चैप्टर में। तो यहाँ पे अगर आपका तेल का जल में हुआ तो विद्युत अपघट्य मिलाने पे वो चालन करेगा। परंतु यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आपने NaCl को मिलाया तो NaCl ऐसे कैसा पड़ा रहेगा, क्योंकि NaCl को Na+ और Cl- में तेल नहीं तोड़ सकता। अब NaCl अगर ऐसे कैसा पड़ा रहेगा तो कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, मतलब विद्युत धारा का कोई चालन नहीं होगा। ये विद्युत धारा का चालन करवाएगा, ये विद्युत धारा का कोई चालन नहीं करवाएगा। आई मतलब विद्युत धारा का कोई चालन नहीं होगा। और अगर विद्युत अपघट्य को मिलाने पर, करंट लगाने पे धारा प्रवाहित नहीं होती है, मतलब पानी ज्यादा है, मतलब जल का तेल में है, और विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसका मतलब तेल का जल में है, जैसे कि दूध। सही बात है। तो ये मैंने आपको बताया कि पहचान कैसे करते हैं कि कौन है, जल का तेल में है कि तेल का जल में है। एकदम सिंपल है, आराम समझिएगा। और नोट्स के लिए आप नीचे व्हाट्सएप नंबर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ पे हर एक चीज़ ब्रीफली लिखी होती है। यहाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ, एग्जाम में बेस्ट नंबर आपके आ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं वी पायसन, अर्थात डी इमल्सिफिकेशन। बहुत सिंपल है। आप देखो, इनको आपस में जोड़ करके आपने इमल्शन का निर्माण किया। अब इनको वापस से तोड़ करके इनके अवयवों में अलग अलग कर दो, उसे अपन क्या कहते हैं, वी पायसन। तो पायसन होता है इमल्शन के बनने की प्रक्रिया, और वी पायसन होता है इमल्शन का फिर से उसके अवयवों में बदलने की प्रक्रिया। अब ये काम अपन कैसे करते हैं, इसकी मुख्यतः तीन विधियां हैं। तीनों में आपको दूध के एग्जाम्पल समझा दूंगा। पहले एक बार लिख देता हूं हेडिंग, फिर अपन इसको फटाफट से समझ लेते हैं। देखो,
तो वीपाइसन करने के तीन तरीके हैं, गर्म करके, ठंडा करके, अपकेंद्रण। ये तीनों विधियां मैं आपको समझा देता हूं, बहुत सिंपल सिंपल विधियां हैं। गर्म करना, ठंडा करना, अपकेंद्रण, ये तीनों अपन अपने घर में करते हैं। गर्म करना, जब दूध को गर्म किया जाता है तो आपने देखा होगा दूध को गर्म करने पर उसके ऊपर मलाई आ जाती है जिसको अपन अलग करके खा भी जाते हैं। तो मलाई प्लस पानी, साथ में जो भी अवयव है वो बचा हुआ रहेगा। हम जब गर्म करते हैं तो आपका दूध जो है वो मलाई ऊपर ऊपर आ जाती है। इसका मतलब गर्म करने पर जो दूध के अंदर अवयव थे वो अलग हो गए, मतलब इमल्शन को उसके अवयवों में अलग करने के लिए हम गर्म कर सकते हैं। गर्म करते हैं, मलाई ऊपर आ जाती है, निकाल के आप खा सकते हो। तो वो मलाई कहाँ से आई? दूध के अंदर से आई। दूध क्या है? इमल्शन है। मलाई का बनना दूध के अवयवी घटकों का अलग होना है, मतलब इमल्शन को घटकों को अलग करने की विधि जो कि वीपाइसन है, उसमें अपन एक विधि बोल सकते हैं गर्म करना। दूसरा है ठंडा करना। आप दूध को ले आके फ्रिज में रख दो, एक दिन बाद निकालो, वही होगा सेम, उसके ऊपर पपड़ी अलग हो जाएगी, मलाई अलग हो जाएगी, उसको आप फिर से निकाल सकते हो। तो ठंडा करने पर भी यही चीज होती है। अपकेंद्रण, दूध को फैटना। तो अपकेंद्रण की विधि से बहुत सारे हलवाई जो है पनीर वगैरह जो भी बनाते हैं वो अपकेंद्रण की विधि से बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीन विधियां जो है आपकी, ये तीन विधियां वीपाइसन की बेस्ट विधियां हैं जो आप दूध की सहायता से समझ सकते हो। आगे सुनो, एक और विधि होती है अम्ल मिलाकर। ऐसा होता है ना, अगर आप दूध के अंदर नींबू निचोड़ दो तो वो फिर फट जाता है और नीचे बैठ जाता है, अलग अलग हो जाता है उसके अवयव कण। तो दूध को फाड़ते हैं ना तो उसमें अपन ऐसे मिला सकते हैं, आप जाकर के दूध में नींबू निचोड़ दो और नींबू निचोड़ने के बाद दूध फट जाता है। दूध के फटने का मतलब क्या है? उसके अवयवी कण अलग अलग हो गए। ऐसा क्यों होता है? मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं थोड़ा सा क्यों होता है ऐसा। क्योंकि अम्ल मिलाने पर जिस बंदे ने जल को और तेल को आपस में साथ में जोड़ रखा था वो बंदा आपके अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। मतलब ये जो पाइसी कर्मक है, ये पाइसी कर्मक किससे अभिक्रिया कर लेते हैं? अम्ल से। और अगर आपका पाइसी कर्मक अम्ल से अभिक्रिया कर लेगा तो पाइसी कर्मक जल और तेल के बीच से हट जाएगा, और अगर वो हट गया तो जल और तेल आपस में वापस से मिक्स नहीं हो पाएंगे और अवयवी घटक अलग अलग हो जाएंगे। फिर से, जल में तेल या तेल में जल कौन बचा के रखता है? पाइसी कर्मक। पाइसी कर्मक की जिंदगी खराब कर सकते हो आप अम्ल मिलाकर। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था साबुन, तो साबुन क्या होता है? C17H35COONa। आपने अगर इसमें मान लो अम्ल मिला दिया HCl, तो जैसे ही आप HCl मिलाओगे आपका ये NaCl अलग हो जाएगा और H आकर के जुड़ जाएगा, ये बन गया C17H35COOH+NaCl। ये लो, हो गई जिंदगी खराब। तो ये बेचारा जाकर के अलग होता C17H35COOH- में, Na+ में, और उससे हमारा जो दूध है, मतलब हमारा जो तेल और जल है वो आपस में मिलता। परंतु हुआ क्या, हमने उसमें एसिड मिला दिया, तो एसिड की मिला से आपस में दोनों जुड़ गए, और दोनों के जुड़ने से अब हमारा साबुन जो क्रियाविधि करने वाला था वो क्रियाविधि वो नहीं कर पाएगा, इसका मतलब दूध फट जाएगा। बिल्कुल वैसे ही आप देखो कि जो भी आपके पास स्पाइसी कर्मक है वो अगर अम्ल से अभिक्रिया कर ले तो आप उसके स्थायित्व को क्या कर सकते हो? समाप्त कर सकते हो, साफ कर सकते हो। तो ये विधियां मैंने आपको बताई कि वीपाइसन किस तरह से किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक टॉपिक है जो ओरली अपन डिस्कस कर सकते हैं, वो है कि इस इमल्शन के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो इमल्शन के गुणधर्म ये होते हैं कि इनमें कणों का आकार बाकी कोलाइडी विलयनों से थोड़ा बड़ा होता है। इतना बड़ा भी नहीं होता कि 1 से 1000 की रेंज से बाहर निकल जाए, 1000 की रेंज से बाहर नहीं निकलता, परंतु हाँ जो दूसरे कोलाइडी विलयन है, दूसरे सॉल है, उनसे इसके अंदर कणों का आकार थोड़ा ज्यादा होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो जलीय, जिनमें ये वाले जो इस तरह के इमल्शन होते हैं ये विद्युत के चालक होते हैं, और जो आपके इस तरह के इमल्शन होते हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं। वो कारण आपको पता है, मैंने समझाया था। तीसरा और एक और प्रॉपर्टी है, जो तेलीय पायस होते हैं ये थोड़े से ज्यादा गाढ़े होते हैं, इनकी श्यानता ज्यादा होती है। श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन, सिंपल भाषा में समझाऊं तो श्यानता इनकी ज्यादा होती है। इसलिए आपने देखा होगा क्रीम गाढ़ी होती है और दूध हमारा जो है वो पतला होता है। ओके, ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। टिंडल प्रभाव पढ़ चुके हो पहले वाले वीडियोस में, वो ये प्रदर्शित करते हैं। ब्राउनी गति भी ये लोग प्रदर्शित करते हैं। तो ये थे इमल्शन के गुणधर्म, जो एकदम थ्योरी वाली बात है, जो आपको नोट्स में आराम से मिल जाएंगे। लॉजिकली मैंने आपको पूरा समझा दिया कि इमल्शन किस तरह से काम करता है, वीपाइसन किस तरह से होता है, पहचान किस तरह से होती है। ओके,
दोस्तों अब हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसमें हम लोग कोलोइडों के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। फर्जी वाले अनुप्रयोग नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा जिसको सुन करके आपको अच्छा लगेगा कि आपने सच में कुछ सीखा है और वीडियो को लास्ट तक देखने में आपको कुछ एडवांटेज मिला है। देखो पहला उपयोग समझाता हूँ चिमनी में। आपको पता है कि जो बड़ी इंडस्ट्री होती है उसके ऊपर चिमनी लगी हुई होती है, उस चिमनी में से धुआं बाहर आता है, उस धुएं के अंदर बहुत सारे हानिकारक कोलोइडी कण होते हैं जैसे कि मिट्टी हो सकता है और भी कुछ कण हो सकते हैं। तो वो कण अगर बाहर निकल जाए, पहली बात तो ये समझो जो धुआं आ रहा है वो धुआं क्या है, एक कोलोइडी विलयन है। अगर वो बाहर निकल जाए ऐसे का ऐसा तो एटमोसफेयर में हमारे नाक के अंदर जाएगा और धूल मिट्टी हमारे अंदर जाएगी, तो हम ये चाहते हैं ऐसा ना हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, चिमनी में इस तरह से इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इलेक्ट्रोड लगाने से क्या होता है, ध्यान सुनना, आपको पता है जो धुआं आ रहा है उसके अंदर कोलोइडी कण है, अगर धुएं में कोलोइडी कण है तो या तो उनके ऊपर प्लस आवेश होगा या उनके ऊपर माइनस आवेश होगा, क्योंकि आपको पता है कि कोलोइडी कण के ऊपर आवेश होता है। अगर उनके ऊपर प्लस आवेश है तो वो निकलते वक्त यहां चिपक जाएंगे माइनस पे, यहां चिपक जाएंगे माइनस पे, और अगर उनके ऊपर माइनस आवेश है तो वो कहां चिपक जाएंगे, प्लस पर, वो यहां चिपक जाएंगे, यहां चिपक जाएंगे। कहने का मतलब चिमनी के अंदर ऊपर हम लोग करंट लगा के रखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लगा के रखते हैं ताकि जो भी धुआं निकल रहा है उसमें जो भी आपके कोलोइडी कण है उन पे जो भी आवेश है वो अपने विपरीत आवेश वाली जगह जाके चिपक जाए और बाहर ये सब चीजें ना आए ताकि हमारे को नुकसान कम से कम हो। तो कौन सी चीज काम में आ रही है, कोलोइडी वाली चीज काम में आ रही है। अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा होता तो आप चिमनी के अंदर वो इलेक्ट्रॉन नहीं लगा पाते, और नहीं लगाते तो सारी गंदगी अपने ही नाक में जाती। दूसरी बात, कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन। कृत्रिम वर्षा का मतलब ये नहीं है कि अगर आसमान में बारिश नहीं हो रही तो हम जाके बारिश कर देंगे, ये कृत्रिम वर्षा नहीं है। कृत्रिम वर्षा का मतलब है कि आसमान में बादल है, ये बादल आपस में जुड़ नहीं रहे, आपस में जुड़ नहीं रहे तो बारिश कैसे करेंगे। तो ये आपस में क्यों नहीं जुड़ रहे, क्योंकि इनके ऊपर आवेश है, एक जैसा आवेश है, और इनके ऊपर एक जैसा आवेश है तो ये एक जैसा आवेश अगर आपस में प्रतिकर्षण करता रहेगा तो ये बादल बेचारे कभी भी आपस में जुड़ करके बारिश नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम लोग हेलीकॉप्टर लेकर के ऊपर जाते हैं और हेलीकॉप्टर से ऊपर विद्युत अपघट्य की बारिश करते हैं। तो हेलीकॉप्टर से ऊपर हम विद्युत अपघट्य की बारिश करते हैं, मान लो आपने के आई की बारिश कर दी, तो ये जो के प्लस है, ये जो प्लस है, ये प्लस जाकर के इस माइनस से मिल जाता है और इसका पूरा आवेश खत्म कर देता है, इसका पूरा आवेश खत्म कर देता है, इसका पूरा आवेश खत्म कर देता है। वो कहते हैं ना कोलोइडी विलयनों को विद्युत अपघट्य मिला करके बर्बाद किया जा सकता है। तो हम लोग बादल जो कि आपस में नहीं मिल रहे थे उनको हमने मिला दिया, हमने बाहर से छिड़काव कर दिया विद्युत अपघट्य का, जिन्होंने उनके आवेश को खत्म कर दिया और अब हमारे बादल आराम से जुड़ सकते हैं। और अगर हमारे बादल आराम से जुड़ेंगे तो वो घने हो जाएंगे, घने होने का मतलब है अब वो चाहें तो बारिश कर सकते हैं। तो कृत्रिम वर्षा के अंदर हम लोग हेलीकॉप्टर से ऊपर विद्युत अपघट्य का छिड़काव करते हैं ताकि वर्षा हो सके, बादल जुड़ सके। इसका मतलब ये नहीं है कि बादल बनाए जाते हैं, ठीक है। डेल्टा, देखो ये समुद्र है मान लो, और यहां से नदी आ रही है, नदी के अंदर जो धूल मिट्टी के कण हैं वो कोलोइडी कणों के रूप में रहते हैं और उन कोलोइडी कणों के ऊपर होता है आवेश। तो नदी के अंदर बहुत सारे धूल मिट्टी के कण हैं और वो धूल मिट्टी के जो कण हैं वो आपके कण नदी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने बना रखा है कोलोइडी विलयन। जैसे ही समुद्र से उनका मिलाप होता है, जैसे ही आपकी नदी समुद्र से मिलती है, समुद्र के पास खूब सारा विद्युत अपघट्य है। लास्ट मोमेंट तक मैं आपको इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, लास्ट मोमेंट तक। तो आपका जो समुद्र है उस समुद्र के अंदर विद्युत अपघट्य है भरपूर मात्रा में। नदी अपने अंदर धूल मिट्टी का कौन सा विलयन लेके आ रही है, कोलोइडी विलयन। होगा क्या, होगा ये कि अब जैसे ही आपको पता है कोलोइडी विलयन के अंदर आवेश होता है, इनके पास आवेश है, जैसे ही उसमें बाहर से विद्युत अपघट्य मिलाया जाएगा वैसे ही आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और आपका कोलोइडी विलयन खत्म हो जाएगा।
तो जैसे ही समुद्र के पानी से नदी मिलती है वैसे ही समुद्र के पानी का विद्युत अपघट्य कोलोइडी कण को नीचे बिठा देता है और आपकी नदी जो एक साथ आ रही थी वैसे आड़ी टेढ़ी होती हुई बहती है, क्योंकि जो मिट्टी जहाँ थी वो वहीं की वहीं नीचे बैठ जाती है, क्योंकि वो मिट्टी साथ में इसलिए जा रही थी क्योंकि उसने बना रखा था कोलोइडी विलयन, उसके ऊपर आवेश था, परंतु उसके आवेश को खत्म कर दिया समुद्र के विद्युत अपघट्य में। हम जब लोग पढ़ रहे थे कि कोलोइडी विलयनों को किस तरह से नीचे बिठाया जाता है तो उसमें विधि थी ना विद्युत अपघट्य मिलाकर, तो यहाँ पे समुद्र ने नदी में विद्युत अपघट्य मिलाकर नदी में कोलोइडी कण को नीचे बिठा दिया। ऐसे हमने हेलीकॉप्टर से बारिश करके बादलों के माइनस चार्ज को खत्म करके उनको भी आपस में जोड़ दिया। तो ये दोनों जो है ये कोलोइडी विलयन के ही अनुप्रयोग है। अगर आपने नहीं पढ़ा होता तो आप ना तो ये कर पाते, ना पृथ्वी की इस खूबसूरत चीज को समझ पाते, नेचर को समझ पाते। इसलिए चैप्टर पढ़ाया जाता है, इसलिए हर चैप्टर का कुछ ना कुछ यूज होता है लाइफ के किसी न किसी फेज में। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको यूज समझ में आएंगे। चलिए आगे देखिए। अब ये जो नीचे लिखे हुए फर्जी से हैं कि ये सब आपके आपको पता है कि ये कैसे काम होता है। कोहरा जो है धूल मिट्टी का वायु में कोलोइडी विलयन होता है। हमारा रुधिर जो है, रक्त जो है, उसके अंदर WBC RBC ये सब क्या है, कोलोइडी विलयन है। साबुन की क्रियाविधि में आपको बता ही चुका हूँ कि ये भी प्ररसायनिक सिद्धांत पे काम करता है, कोलोइडी के सिद्धांत पे ही काम करता है। तो ये टॉपिक हमने प्रॉपरली हर एक एक चीज को विथ कॉन्सेप्ट अपने खत्म किया है। नीचे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप नोट्स प्रॉपरली ले सकते हैं जो आपके टॉपिक को कंप्लीट करता है। अब आप 100 में से 100% स्कोर कर सकते हो अगर आप नोट्स और इन वीडियोस को देख लेते हैं। तो इस चैप्टर के केस में तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, कंसेप्ट आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो इसको लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें एक मिनट निकाल करके, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन for day notifications. Thank you.